मैं सीके यादव आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 11th की सेकंड पोएट्री चैप्टर जिसका नाम है लेबरनम टॉप। इसमें हम सभी लेबरनम टॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं टेड ह्यूक्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी ये चैप्टर समाप्त होगा तो आपके लिए चैप्टर अधूरा होने वाला है, कि आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यह मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए लेबरनम, लेबरनम यहाँ पर जो लेबरनम मतलब है अमलतास, अमलतास का पेड़, टॉप मतलब होता है शिखर, जैसे एक वृक्ष होता है, ठीक है। तो वृक्ष के जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि यह एक वृक्ष है, ठीक है। तो इसका वृक्ष है तो वृक्ष का टॉप क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो चैप्टर का सीधा सा नाम है द लेबरनम टॉप, यानी कि अमलतास का पेड़ का शिखर, अर्थात अमलतास पेड़ का शिखर। टेड ह्यूक्स ने जो बोला है यहाँ पर, सीधी सी बात यह है कि इसमें हम एक पेड़ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से वह शांत होता है और एक चिड़िया आकर के किस तरीके से उसमें नया जीवन फूंक देती है या डाल देती है। बहुत ही सरल और आसान सा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। जीवन में दोबारा कभी इसे भूलने का प्रयास नहीं होगा, आप इसे हमेशा याद रखेंगे, एक बार इसे आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, कहते हैं द लेबरनम टॉप, लेबरनम मतलब होता है अमलतास, टॉप मतलब शिखर, इट्स साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है शांत है। तो यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ हम समझतेंगे कि लेबरनम टॉप मतलब अमलतास का पेड़, अमलतास के पेड़ का जो शिखर है इट्स साइलेंट, वह शांत है, अर्थात अमलतास वृक्ष का जो शिखर है वह शांत है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल मतलब, स्टिल मतलब होता है स्थिर रहना, अर्थात शांत है और स्थिर है, यानी हलचल कुछ भी नहीं हो रही, वह पेड़ एक जगह स्थिर है। तो लेबरनम को अब हम लेबरनम ही पढ़ेंगे, लेबरनम टॉप अर्थात लेबरनम वृक्ष का शिखर जो है इट्स साइलेंट, शांत है, क्वाइट स्टिल और स्थिर है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून अर्थात किस समय, दोपहर की बात कर रहा है कि दोपहर के समय, किस समय, दोपहर के समय किस समय शांत और स्थित है, तो कहता है इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, येलो मतलब पीला, सितंबर मतलब होता है सितंबर, सितंबर से सनलाइट मतलब होता है सूर्य का प्रकाश या धूप। तो सितंबर के पीली धूप में दोपहर के समय, तो समझ में आया क्या कहते हैं कि सितंबर की पीली धूप में, एक एक का ध्यान से समझिएगा ज़रा, सितंबर का सितंबर, येलो का पीली, सनलाइट का धूप, आफ्टरनून मतलब दोपहर, अर्थात सितंबर की धूप में दोपहर के समय लेबरनम टॉप का वृक्ष अमलतास वृक्ष का शिखर साइलेंट शांत है और क्वाइट स्टिल स्थिर है। समझ में आया, तो एक बार फिर से देखते हैं, द लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप का शिखर इट्स साइलेंट शांत है, क्वाइट स्टिल स्थिर है, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, दोपहर के समय पीली और सूर्य से प्रकाशित शांत है। अ फ्यू लीव्स, अर्थात सितंबर के समय आप लोगों को पता है कि पतझड़ होने लगते हैं, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं, तो जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो थोड़ी थोड़ी पीली भी पड़ने लगती है। तो वही कह रहा है अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ये वाले मतलब होता है पीली पड़ गई हैं, अर्थात कुछ पत्तियां जो उसकी पेड़ की अमलतास वृक्ष के जो पेड़ हैं की पत्तियाँ हैं वो कैसी हैं, येलोइंग हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, अर्थात इस वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ऑल इट्स सीड्स, और इसके जो बीज हैं फॉलन गिर चुके हैं, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं, अर्थात पेड़ के बारे में इतना ही पढ़ना था। इसको एक बार देखकर फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अ फ्यू लीव्स ए लिविंग्स, इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके बीज फॉलन गिर चुके हैं, अर्थात वह पेड़ से अलग हो चुके हैं। तो वृक्ष के बारे में यही तीन लाइन थी, अब इसके बारे में एक चिड़िया आने वाली है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, लेबरनम टॉप एक
लेबरनम का जो ब्रिज का ऊपर का भाग है, इट्स साइलेंट, शांत है, क्वाइट स्टिल, स्थिर है। इन आफ्टरनून येलो जो सितंबर सनलाइट, ये सितंबर के सनलाइट के येलो दोपहर के समय, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके सभी सभी पत्ते पीले पड़ चुके हैं, पीले पड़ रहे हैं, ऑल रेड सीड्स फॉलन, और वह गिर गए, अर्थात तो उसके सभी बीज गिर चुके हैं। टिल जब तक कि द गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच एक पक्षी का नाम है जो पीले रंग की होती है या सुनहरे रंग की होती है, छोटी सी होती है। तो कह सकते हैं कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और तब गोल्ड फिंच आती है, टिल द गोल्ड फिंच कम, अर्थात यहाँ पर जो सीधा सीधा मतलब है लेखक के शब्द में, कि लेखक कहना चाहते हैं कि यह वृक्ष तब तक ही शांत है, तब तक ही साइलेंट है जब तक कि इस पर गोल्ड फिंच नहीं आती। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। तो इसे अपने शब्दों में समझते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक जब तक कि गोल्ड फिंच आ जाती है, और फिर गोल्ड फिंच आती है, उस गोल्ड फिंच उस पक्षी का नाम है विथ अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, छोटे से पक्षी होती है तो फड़फड़ाते हुए उड़ती है। चिरप, चिरप का मतलब होता है चहचहाट, वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए आती है। सडननेस अचानक, इंस्टॉलमेंट, सडननेस अचानक, इंस्टॉलमेंट मतलब होता है स्टार्ट का हलचल होना। एट द ब्रांच एंड, एट द ब्रांच मतलब शाखा के, एंड मतलब अंत में अर्थात किनारे पर, शाखा के किनारे। तो क्या कहा गया, अ सडन्स उसी समय, इंस्टॉलमेंट्स एक हलचल होने लग प्रारंभ हो जाती है, एट द ब्रांच एंड शाखा के अंत में। टिल द गोल्ड फिंच कम्स कि फिर गोल्ड फिंच आती है विथ अ ट्विचिंग चिरप, फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए। अ सडननेस एक अचानक से, इंस्टॉलमेंट्स एक हलचल प्रारंभ होती है, एट द ब्रांच एंड शाखा के किनारे पर, शाखा के किनारे पर एक हलचल प्रारंभ हो जाती है। आगे देखते हैं, देन और फिर, अर्थात उस चिड़िया की बात हो रही है, तब स्लीक एज लिजार्ड, स्लीक एज रिजार्ड, छिपकली की तरह, लिजार्ड मतलब छिपकली की तरह, स्लीक मतलब चिकनी, एंड अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है चौकन्ना, और चौकन्ने होकर, एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है तेज़ी से, फुर्ती के साथ, जल्दी के साथ, यानी कि तब वह लिजार्ड की तरह चिकनी, चौकन्नी और एब्रप्ट मतलब होता है तेज़ी से, सेंटर्ट वह प्रवेश करती है द थिकनेस सघनता की तरफ, अर्थात मोटे मोटाई में, अर्थात पेड़ के अंदर चली जाती है। सेंटर्स द थिकनेस मतलब वह पेड़ के अंदर चली जाती है। तो इसको क्या कहा गया कि वह जो पक्षी थी वह अब धीरे धीरे पेड़ के अंदर आ गई। देन लिजार्ड और छिपकली की तरह चिकनी, चक चौकन्नी और फुर्ती से, सी एंटर द थिकनेस, वह पेड़ के अंदर चली जाती है, अर्थात वह सघनता में चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन स्टार्ट्स अप मतलब शुरू हो जाती है, और एक मशीन शुरू हो जाती है। देन स्लीक लिजार्ड, तब छिपकली, चिकनी छिपकली की तरह, और वह चौकन्नी रहती है, और वह बहुत तेज गति से चलती है। सी एंटर्स द थिकनेस, वह अंदर की तरह प्रवेश करती है। द मशीन स्टार्टअप, और उसी समय मशीन प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उसमें काम कुछ होना प्रारंभ हो जाता है उस पेड़ के अंदर। ऑफ चैटरिंग, कौन सी मशीन शुरू हो जाती है, ऑफ चैटरिंग, चहचहाट की मशीन शुरू हो जाती है, अर्थात वह उसके उस पेड़ के अंदर उसके बच्चे थे जिसे खाना खिला रही है और वह चहचहा रहे हैं। एंड द टर्मर्स ऑफ विंग्स, फुड़फुड़ाने की, ऑफ विंग्स पंखों के फुड़फुड़ाने की मशीन शुरू हो जाती है। एंड थ्रिलिंग मतलब होता है पक्षियों का गीत, या यहाँ कह सकते हैं पक्षियों की आवाज़, अर्थात उन बच्चों की आवाज़ आने लगती है। तो कहते हैं कि एंड द मशीन स्टार्टअप, चैटरिंग और चहचहाट की मशीन शुरू हो जाती है, यानी उसके बच्चे उसे देख करके शोर मचाने लगते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और
पंख फड़फड़ाने लगते हैं एंड थ्रिलिंग्स और आवाज़ करने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द होल ट्री, वो पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है, अर्थात उस पूरे के पूरे पेड़ से आवाज़ आने लगती है एंड थ्रिल और रोमांच होने लगता है, अर्थात हिलने लगता है, अर्थात द होल ट्रीज, पूरा का पूरा पेड़ रोमांचित होकर ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है, अर्थात हिलने लगता है। थ्रिल्स मतलब होता है रोमांच, तो रोमांचित होकर अमलतास का वृक्ष कांपने लगता है, अर्थात उस वृक्ष में हलचल हलचल हो जाती है। अभी तक तो हंसते था ना, तो उसके बाद जब यह चिड़िया अंतर गई तो उसी समय क्या हुआ, हलचल होना प्रारंभ हो गया। इट इज इंजन ऑफर फैमिली, इट इज इंजन, यह वास्तव में इंजन थी, मशीन थी ऑफर फैमिली, उसके फैमिली का, उसके परिवार का। वास्तव में वो जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी, उसके बच्चों का था, उसके परिवार का था। सी स्टोक इट फुल, सी स्टोक्स, स्टोक्स मतलब इट फुल मतलब उसे देख करके शोर मचा रहे हैं, अर्थात अपनी माँ को देख करके शोर मचा रहे हैं कि इट इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है, अर्थात यह उसके परिवार की आवाज़ें हैं, उस परिवार के अर्थात उस पक्षी के परिवार की आवाज़ें हैं, उसके बच्चे हैं जिसे वो खाना खिलाने गई है और वह आवाज़ कर रहे हैं, तो यह उसके परिवार की आवाज़ है। सी स्टोक्स, स्टोक्स आर इस्टफुल, वह अपनी माँ को देखकर शोर मचा रहे हैं। ठीक है, अर्थात वह अपनी माँ को देख करके शोर मचा रहे हैं या आवाज़ कर रहे हैं। देन तब फ्लक्स आउट अर्थात तब वह बाहर आती है। तब फ्लक्स आउट मतलब वह बाहर आती है एट द ब्रांच एंड मतलब शाखा के किनारे, अर्थात फिर वह पंखों अपने फड़फड़ाते हुए एक शाखा के किनारे तक आती है। देन तब फ्लक्स मतलब फड़फड़ाते हुए, आउट टू मतलब बाहर आती है, ब्रांच एंड मतलब एक शाखा के किनारे पर, एक शाखा के किनारे पर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह आ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, इसे ज़रा ध्यान समझिएगा। शोइंग मतलब होता है दिखाना, वह दिखाती है हर मतलब अपना बेयर्ड फेस, बेयर फेस मतलब होता है, बेयर फेस मतलब पीले रंग की चिड़िया, आप देख सकते हैं चिड़ियों को दो तीन कलर होता है। आइडेंटिटी मार्क्स मतलब अपनी पहचान के रूप में, फेस मतलब चेहरा, बेयर्ड मतलब रंगीन, अर्थात वह अपने रंगीन चेहरे को दिखाते हुए, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि वह जो पक्षी है वह पीले रंग की है और वह चिड़िया भी पक्षी है, तो वह आप कैसे जान पाएंगे, तो इसीलिए कहा गया है कि वह अपनी आइडेंटिटी मास्क दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क मतलब अपनी पहचान दिखाती है, अर्थात अपनी पहचान बताती है। मास्क मतलब मुखौटा, आइडेंटिटी मतलब पहचान, अर्थात अपनी पहचान वाला मुखौटा बताती है। बियर्ड फेस, बियर्ड फेस मतलब उसका जो चेहरा है बियर्ड है, बियर्ड मतलब थोड़ा सा काला है या थोड़ा धारीदार है, तो शोइंग दिखाती है हर अपना बियर्ड मतलब काला, फेस मतलब चेहरा, आइडेंटिटी मास्क अर्थात उसकी, फिर वह अपना आइडेंटिटी मास्क अर्थात अपनी पहचान मुखौटा दिखाती है जो धारीदारी अर्थात काला चेहरा है। देन विथ एयर डेलिकेट विस्टल्स चिरप विस्फेरिंग, विस्फेरिंग मतलब होता है फुसफुसाना। देन विथ एयर डेलिकेट अर्थात तब वह डेलिकेट अपने कोमल, विसल मतलब सीटी बजाती है, अर्थात सीटी वाली चिरप चहचहाट बोलती है, अर्थात वह अपनी कोमल सीटी वाली आवाज़ में चहचहाती है। डेलिकेट मतलब होता है कोमल, विस्फर मतलब होता है फुसफुसाना, तो इसको जानते रहिएगा, लेकिन यहाँ पर इसका वर्णन नहीं करना है। देन विथ एरर्स डेलीगेट्स विस्टल चिरप्स, देन तब विथ एरर डेलीगेट मतलब अपनी कोमल सीटी जैसी आवाज़ में चहचहाती है, तब वह अपनी कोमल अर्थात मधुर सीटी जैसी आवाज़ में चहचहाती है, आवाज़ करती है।
सी लॉन्चेस अवे, लॉन्च मतलब होता है फ्लाई अवे अर्थात उड़ जाना, अवे मतलब दूर, सिफर वह दूर उड़ जाती है टुवर्ड द इनफाइनाइट और आकाश में, और वह फुसफुसाते हुए सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट और वह फुसफुसाते हुए अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है, अर्थात वह सी लॉन्चेस अवे वह उड़ जाती है टुवर्ड द इनफाइनाइट अनंत आकाश। एंड द लेबरनम, और जो अमलतास का वृक्ष है, जो लेबरनम का वृक्ष है, सबसाइड्स, एक बार फिर टू इम्पटी शांत हो जाता है, अर्थात जो लेबरनम अमलतास का पेड़ है वो सबसाइड मतलब खाली हो जाती है, टू इम्पटी समाप्त हो जाती है, अर्थात वह इस चीज़ से दूर चली जाती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं सीख यादव आप सबके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियो लाता रहूँगा, और आज से आई एम गोइंग टू चेंज ऑफ माई नेम सी एस यादव। सो प्लीज़ आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि सीख यादव ही सी एस यादव आज से होने जा रहा है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इसी तरीके से प्यार भरा क्लासेज आपका चलता रहेगा। धन्यवाद।